थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया, वर्क वर्क फंक्शन क्लियर हो गया। इसके बाद इन दोनों को एडॉप्ट करते हुए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिया। तो अभी हमने आपको बताया कि देहली आवृत्ति क्या होती है और वर्क फंक्शन क्या होता है। इसके बाद आइंस्टीन एक साइंटिस्ट थे जिनको 1905 ईस्वी में E=mc² पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन क्या है, उन्होंने इस इक्वेशन को प्लांक के क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रस्तुत किया। प्लांक का क्वांटम मॉडल क्या है, प्लांक ने यह बताया था कि जो लाइट रे होती है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट बंडल अथवा गुच्छे होते हैं। इस पैकेट आर या बंडल को हम फोटॉन कहते हैं। फोटॉन की एनर्जी जो होती है वो यज्ञनी होती है। ये फोटॉन जब किसी मेटल पर गिरता है तो फोटॉन अपनी सारी एनर्जी मेटल में नीत किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है और वो अपने स्वयं का एनर्जी वो लॉस कर देता है, उसकी एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाती है। ओके, वह इलेक्ट्रॉन उस फोटॉन की एनर्जी को लेकर दो रूपों में खर्चा करता है। पहला, फोटॉन की ऊर्जा जो है वह वर्क फंक्शन के रूप में, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी मिलती कहां से है, वो एनर्जी मिलती है फोटॉन से, फोटॉन की एनर्जी को लिया है। दूसरा, जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसका एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी के रूप में भी कुछ एक्सपेंड होगा, यानी कुछ व्यय करेगा। यानी हम यहां लिख दे रहे हैं कि एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डिवाइडेड, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, फर्स्ट वन इज द वर्क फंक्शन एंड सेकेंड वन इज द वर्क फंक्शन और प्लस काइनेटिक एनर्जी। यू वेल नो दैट द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाई यच। फोटॉन की एनर्जी जो होती है वो यच की होती है। अभी अभी हमने बताया था आपको कि वर्क फंक्शन डब्ल्यू इज इक्वल टू यच न्यू नॉट होता है। वेयर न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। What is the threshold frequency? The minimum required frequency which is responsible to ejected the electron from the metal surface. Okay? और kinetic energy की value half mv max square होता है। अगर हम h nu naught को left side बनाए तो h nu is equal to h nu naught, ये minus हो जाएगा, minus h nu naught is equal to हाफ एम वी मैक्स। यच को कॉमन ले सकते हैं, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है यही आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाता है। ओके, फिर से मेरी बात को सुनिए। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लांक के क्वांटम मॉडल के ऊपर बेस्ड है। प्लांक का क्वांटम मॉडल ये कहता है कि जो लाइट एनर्जी होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स बंडल अथवा गुच्छों के रूप में चलती है जिन्हें हम फोटॉन कहते हैं। फोटॉन की एनर्जी यचनीव या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ यचनीव होता है। ओके, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ फोटॉन को यचनीव कहते हैं। यचनीव इज इक्वल टू यचनीव नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। यचनीव नॉट लेफ्ट साइड आएगा। यचनीव माइनस यचनीव नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। यच कॉमन फैक्टर है। न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज नोन एज द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके,